ध्यान समझिएगा, अभी जो आपके पास आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी आपके सामने आने वाली है, ठीक है। जिसमें से दो इंपॉर्टेंट वैकेंसी अभी आपके सामने रखे हुए हैं, जिसमें पहला क्या है, बिहार पुलिस है और दूसरा है सिविल कोर्ट। यहाँ तक कि सिविल कोर्ट का जो है एग्ज़ाम का डेट भी अवेलेबल, फॉर्म भरने का डेट भी निकल गया है और इसका एग्ज़ाम हो सके तो दिसंबर या जनवरी में आपका ले लेगा। देखिए सिविल कोर्ट में जो है, सिविल कोर्ट में तीन पद आए हैं जिसमें से आपके सामने हम दो इम्पोर्टेंट, देखिए पहले तो समझिए बिहार सिविल कोर्ट है, कौन सा है, बिहार सिविल कोर्ट है। बिहार सिविल कोर्ट में टोटल जो पोस्ट दिया है आपका, टोटल पोस्ट जो दिया है 7692 दिया है। टोटल पोस्ट कितना दिया है, 7692, जिसमें से तीन गो डिपार्टमेंट है। पहला है क्लर्क का, दूसरा है चपरासी का और एक और डिपार्टमेंट है जिसको बोला जाता है लेखापाल का। तो उसमें उतना ज़रूरी नहीं है आप लोग के लिए, उसमें जो वही बच्चा जा सकते हैं जिनको शॉर्ट हैंड आता हो और उसके बाद टाइपिंग आता हो। बाकी इस दोनों पद के लिए, इस दोनों पद के लिए आप ध्यान समझिएगा, क्लर्क और चपरासी अर्दली के लिए आपका यहाँ पे पूरा का पूरा, देखिए क्लर्क के लिए पूरा आपका सीट है 3325, क्लर्क के लिए पूरा सीट कितना हो गया 3325। इसके लिए आपका एज होना चाहिए 21 से 27 और इसमें एलिजिबिलिटी जो होना चाहिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए ग्रेजुएशन पास। लेकिन आपका चपरासी जिसको प्यून कहा जाता है, ठीक है, प्यून के लिए टोटल पोस्ट 1673 गो है, जो बहुत बड़ा पोस्ट है। इतना पोस्ट कभी भी आया नहीं था अभी तक चपरासी के लिए, प्यून के लिए, ठीक है। ये 1673 पोस्ट है, इसका एज जो है 18 से 23 वर्ष है। इस फॉर्म को जो 12th पास है वो डाल सकते हैं, ठीक है, 10th पास ही डाल सकते हैं। अब समझिएगा सबसे ज़्यादा जो फॉर्म गिरेगा इसी में गिरेगा, चपरासी और अर्दली में, ठीक है, यानी चपरासी अर्दली दोनों एक ही नाम होता है, प्यून भी इसी को कहा जाता है, ठीक। तो आप जो वक्त जो व्यक्ति 12th पास है या 10th पास है वो क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को डाल सकते हैं चपरासी के लिए। आपका यह क्या दोनों फॉर्म एक बार में डाल देंगे, हाँ दोनों फॉर्म आप दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है, इसके लिए अलग डाल सकते हैं, इसके लिए अलग डाल सकते हैं, दोनों के लिए आपका फी क्या होगा, अलग अलग लगेगा, ठीक है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोनों का सिलेबस क्या है, दोनों का सिलेबस क्या है, तो दोनों का सिलेबस देखिएगा, तो इसमें क्या पूछ रहा है, हिंदी, देखिए हिंदी पूछता है 30 क्वेश्चन का, ये सिलेबस है क्लर्क के लिए। तो क्लर्क में हिंदी कितना पूछता है, 30 नंबर का, इंग्लिश कितना, 30 नंबर का, और गणित जो पूछता है 25 नंबर का पूछता है। गणित कितना नंबर का पूछता है, गणित 25 नंबर का पूछता है। और आगे समझिएगा चपरासी के लिए, चपरासी के लिए क्या है, तो इसमें पूछता है हिंदी आपका 35 क्वेश्चन, हिंदी कितना पूछता है 35 क्वेश्चन पूछेगा, इंग्लिश कितना क्वेश्चन पूछेगा 15 और गणित कितना पूछेगा 35 पूछेगा। यानी कि दोनों में देखा जाए तो दोनों में टोटल 85 क्वेश्चन रहता है और 85 मार्क्स का रहता है, 85 क्वेश्चन रहेगा और 85 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और इसमें ना 15 नंबर आपका जो है, 15 नंबर इंटरव्यू के तौर पे लेता है, 15 नंबर का क्या लेगा, इंटरव्यू लेगा। इस इंटरव्यू में चपरासी को कम से कम लाना है 6 नंबर, इस इंटरव्यू में चपरासी को कितना लाना है 6 नंबर, जब क्लर्क को कितना नंबर लाना है 5 ही नंबर लाना है, क्लर्क को कितना नंबर लाना है 5 नंबर। बताइए इंटरव्यू का एग्जाम होगा 15 नंबर का, उस 15 नंबर में चपरासी को लाना है 6 नंबर, क्लर्क को कितना लाना है, मात्रम 5 नंबर लाना है। अब कहिएगा सर इसका तैयारी कहाँ करें, तो इसका तैयारी आपको इस कंसेप्ट की पाठशाला में हो जाएगा, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। देखिए ऑफलाइन जो बैच इसके लिए स्टार्ट हो रहा है वो 19 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, 19 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम तैयारी आपको क्या क्या करा देंगे, तो इसमें हम आपको तैयारी करा देंगे पूरा का पूरा हिंदी का और पूरा का पूरा तैयारी करा देंगे गणित का, यानी कि 35 और 35 70 नंबर का यहाँ आपको तैयारी हो जाएगा, पूरा का पूरा टोटली आपको कितना नंबर का तैयारी करा देंगे यहाँ पे 70 नंबर का हम तैयारी करा देंगे और 70 नंबर का तैयारी हो जाएगा। और आप इंग्लिश में कहीं से भी अगर 10-12 नंबर भी मांग लीजिए आपका पूरा का पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बात समझिएगा, ये जो आपका बैच स्टार्ट हो रहा है 19 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए बैच आपका 19 सितंबर से यहाँ स्टार्ट हो रहा है और हर हाल में आपको किसी ना किसी तरह से इस बैच को ज्वाइन कर लेना है। और ये पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट है, ये जो पोस्ट है बहुत बड़ी पोस्ट है। इसमें जो है ऐसे तो इसका तनख्वाह का बात कीजिएगा तो तनख्वाह इसका शुरुआती में 18,000 से स्टार्ट होता है, 18,000 से स्टार्ट होगा। लेकिन इसमें ना ऊपर, जैसे कि ऊपर का पैसा बोले तो किसी किसी को काम करवाना तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, एक दिन में 2,000-3,000 एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है चपरासी को, बात समझिए। तो ऐसा ही 60,000 का महीना तो ऐसा ही हो गया और फिर जो देता फिर उसको तनख्वाह मिलता है 20,000 का, वैसे ही हो, कम से कम नहीं हो तो बैठे बैठे 80,000 का महीना आप कमा सकते हैं सिर्फ इस चपरासी के पोस्ट से। क्लर्क का जो होता है, क्लर्क का 20 से 25,000 आपका शुरुआत होता है और क्लर्क में भी वही बात होता है, आपको ऊपर से पैसा इसमें मिलता है।
योग्यता ही है, ठीक है। यानी कि आपको टोटल ये दोनों पोस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा पोस्ट है, जिसके लिए कुछ नहीं करना है। मात्र हम आपको हिंदी तो सबको आता है, यहाँ पे हिंदी का तैयारी ऐसे भी हम कराइए देंगे, मात्र हम हिंदी पढ़ लेना है और गणित पढ़ लेना है, आपका नौकरी हो जाएगा। हिंदी और गणित पढ़ लीजिए, आपका नौकरी हो जाएगा। कुछ नहीं, बस एक ही एग्जाम निकालना है, आपका नौकरी हो गया। और ये इंटरव्यू सबका ऑलमोस्ट निकल ही जाता है। तो बस देखिए कितना आसान है, हिंदी पढ़ लीजिए, गणित पढ़ लीजिए और थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लीजिए, जो आप टेंथ में पढ़े हुई इंटर में पढ़े हुए उसी से आपका क्या हो जाएगा, गणित हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब बाकी दो के लिए तो हम है कंसेप्ट की पाठशाला है ही। आते हैं अब बिहार पुलिस के में, बिहार पुलिस में आते हैं तो आपको एक बात बता दें, जैसे कि अभी अनाउंस हुआ था बिहार में कि बिहार में जो है 10 लाख भर्ती की जाएगी, उसका सीरीज जो है स्टार्ट हो चुका है, उसका सीरीज स्टार्ट हो चुका है। आप देखिएगा कि सिविल कोर्ट में भी 7000 दे ही दिया, लगभग 8000 के लगभग में पोस्ट दे दिया। अब यहाँ जो है बिहार पुलिस, दो चीज़ है यहाँ पे, एक बिहार पुलिस है और यहाँ पे बिहार दरोगा, ये सब को मिलाकर आने वाले 2 सालों के लिए कम से कम नहीं आएगा तो भर्ती 2 लाख के आसपास आएगा, ठीक है। जिसमें से स्पेशल आपका रहेगा 1 लाख भर्ती, तो आप 1 से 1.5 लाख भर्ती सिर्फ बिहार पुलिस के लिए ही रहेगा। अब देखिए ये जो 1 लाख भर्ती आएगा, 1 लाख पदों की भर्ती आएगा, वो 6-6 महीना या साल भर करके इसको क्या करेगा, देगा, जिसमें से आपका ए ओ का नोटिफिकेशन दे दिया है। अभी जो पोस्ट आएगा आपका, अभी ये 6 महीना के अंदर में इसका एग्जाम वगैरह सब ले लेगा, जिसमें टोटल पोस्ट कितना है, 13000 टोटल पोस्ट है, 13000 प्लस हो सकता है कि 15000 दे दे, 16000 दे दे, लेकिन कभी भी देगा तो 13000 के आसपास ही, उससे ज़्यादा ही देगा, कम तो आपको पोस्ट नहीं दे। तो बहुत बड़ा पोस्ट है ये बिहार पुलिस के लिए, ठीक है। तो इसका इजिबिलिटी क्या होता है, तो अगर आप 12th पास है तो इसको डाल सकते हैं, 12th पास है तो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें पढ़ना हमको क्या क्या रहता है। तो अभी देखिए इसका ऐसे तो अभी फॉर्म भरने का टाइम नहीं आया है, लेकिन आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में इसका आ जाएगा पूरा फॉर्म, अप्लीकेशन नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब से कब फॉर्म डलाएगा। लेकिन तैयारी आपको अभी से जारी रखना, अगर अभी से तैयारी नहीं कीजिएगा तो फिर जो बच्चा अभी से तैयारी कर रहा है उसी का होगा, आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। और इसके लिए ध्यान समझिएगा, इसके लिए आपका सिलेबस क्या है, तो इसके लिए सिलेबस देखिए, जीके आपका 40 नंबर पूछता है, जिसको जनरल नॉलेज कहते हैं, जीके कितना पूछ रहा है, 40 नंबर पूछ रहा है। आगे समझिएगा, करेंट अफेयर सीए 10 नंबर के आसपास पूछना है, मतलब 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये 40 है तो हो सकता है 35 हो जाए, ये 10 है तो हो सकता है 8 से 12 हो जाए, ऐसे पूछ सकता है। लेकिन जीके देखिए, जीके कितना पूछेगा, 40 नंबर का। करेंट अफेयर्स कितना पूछेगा, तो 10 नंबर का पूछेगा, यानी 10 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब आते हैं जीएस, जनरल साइंस, जनरल साइंस ऑलमोस्ट आपसे 30 नंबर पूछेगा, जनरल साइंस कितना पूछेगा, 30 नंबर का पूछेगा। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपके पास दो चॉइस रखता है, या तो हिंदी को चुनिए तब, चाहे इंग्लिश को चुनिए तब। अगर आप हिंदी चुनते हैं या इंग्लिश चुनते हैं, दोनों में से 10-10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हिंदी चुनिएगा तो हिंदी से 10 नंबर क्वेश्चन मिलेगा, इंग्लिश चुनिएगा तो इंग्लिश से 10 नंबर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश से कितना मिलेगा, 10 नंबर क्वेश्चन मिलेगा, मतलब अलग अलग। और मैथ से मात्र 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है, यानी कि इसमें या किसी भी एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा अभी करेगा, वो करेगा जीके और जीएस। कौन सा रोल अदा करेगा, जीके और जीएस। विदाउट जीके और जीएस का आप किसी भी एग्जाम में सफलता नहीं पा सकते हैं। यहाँ तक कि अभी दरोगा आने वाला है, दरोगा एकदम जस्ट आएगा, और दरोगा में तो पूरा का पूरा जीके जीएस ही रहता है, ठीक है। अगर 100 क्वेश्चन पूछता है तो 90 क्वेश्चन आपका जीके जीएस ही मिलेगा, 90 क्वेश्चन क्या मिलेगा इसमें, जीके जीएस ही मिलेगा। और आपका ये बिना जीके जीएस की तैयारी, पूरा जीके जीएस का तैयारी। यहाँ पर दो स्पेशल बैच चलता है, एक स्पेशल बैच चलता है जीके के लिए और एक स्पेशल बैच चलता है जीएस के लिए। पूरा शुरुआत से लेकर बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का बैच चलता है जीके और जीएस के लिए। मेरा ये दोनों अलग अलग, 1 घंटा जीके पढ़ाते हैं और 1 घंटा जीएस पढ़ाते हैं, और ये मेरा कंटिन्यू चलते रहता है। जैसे फिजिक्स होगा, जैसे देखिए जीएस में क्या होता है, फिजिक्स होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और यहाँ पे क्या चलता है, बायो, 3 गो चीज होता है इसमें, रक्षा अनुसंधान के चलता है, सब चीज बताते हैं। तो फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री के बाद बायो, बायो के बाद फिजिक्स। ये मेरा एक राउंड सिर्फ और सिर्फ स्पेशली जीएस के लिए चलते रहता है। उसी तरह आपका जीके के लिए भी चलते रहता है, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद पॉलिटी पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, फिर ये राउंड क्या होता है, चलते रहता है। तो मेरा 2 गो स्पेशल और स्पेशल बैच चलता है जीके और जीएस के लिए। यानी कि आपको अगर बिहार पुलिस में कहीं से
पढ़ना है तो उसके लिए आपको कंसेप्ट क्लास की को ज्वाइन करना होगा। इस क्लास को ज्वाइन कीजिए आप, जो इसका भी बैच 19 सितंबर से आ रहा है, ठीक है। इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए आप, 19 सितंबर वाले बैच को। इसका गारंटी हम लेते हैं कि बिहार पुलिस आपका कोई नहीं रोकेगा। आपको बस आपसे एक ही चीज़ हम मानेंगे कि आपको रेगुलर रहना होगा। आप रेगुलर रहिएगा आपके बिहार पुलिस निकाल कर हम देंगे, इतना का गारंटी है। आपको रेगुलर रहना होगा। बाकी देखिए, इसका तैयारी 40 नंबर का हम ही करा देंगे, करेंट अफेयर्स का हम ही करा देंगे, GS का हम ही करा देंगे। यहाँ इसमें हिंदी है, जो बच्चा हिंदी लेगा उसका तैयारी हम ही करा देंगे, और जो मैथ्स लेगा मैथ का तैयारी कराते ही हैं, ठीक है। यानी कि बिहार पुलिस के लिए आपको एक इंच भी इधर उधर नहीं जाना है, पूरा का पूरा तैयारी आपका यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, इसके अलावे आपका कौन कौन सा आ रहा है। इसके अलावे आपका SSC GD बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी के साथ, कम से कम 75,000 वैकेंसी पे आ रहा है SSC GD का, जिसका बैच मेरा चल रहा है। और इसका नया इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 19 सितंबर से, क्योंकि उसमें भी GK GS और मैथ ही पूछता है, ठीक है। तो SSC GD के लिए, SSC GD के लिए भी वो ये बैच मेरा क्या रहेगा, स्पेशल रहेगा। देखिए कंपटीशन में कुछ अलग नहीं पूछता है, सब उसी के आसपास में पूछता है, बस थोड़ा सा लेवल इधर उधर कर देता है। तो वो लेवल हमको बताने का काम है कि आप GD वाले हैं या बिहार पुलिस वाले हैं, क्या है। हम अलग अलग छाट के सब चीज़ को अलग अलग नोट्स दे देंगे, अलग अलग आपका अलग अलग तैयारी करवा देंगे यहाँ के। हालांकि नोट्स कम देते हैं हम अपने तरफ से, लिखवाते ज़्यादा है। तो इन दोनों के लिए जो है, इन दोनों के लिए क्या, बिहार दरोगा के लिए भी, SSC GD के लिए, और यहाँ बोलते हैं बिहार पुलिस और सिविल कोर्ट के लिए, आने वाले दिन में CHSL का भी बैच आपका आने वाला है। CHSL का बैच का हालांकि स्टार्ट हो चुका है, उसमें अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारे के लिए बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 19 सितंबर से, इसलिए इसको मिस नहीं कीजिए। 19 सितंबर को आके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए बैच को। तब तक के लिए जय हिंद।